अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो देखें आज नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में खुशामदीद कहते हैं। तो देखें आज हम बना रहे हैं हलवा, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बहुत ही मजेदार तैयार होता है, ये इंतहाई टेस्टी और हर इंसान की पसंदीदा डिश है स्वीट्स में। देखिये सूजी, सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया सूजी, और सूजी को यहां से एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में निकाल लेंगे सूजी, देखिए कितनी ताजा सूजी है, एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सूजी है। जितनी अच्छी और ताजा सूजी होगी उतना अच्छा हलवा बनेगा। कभी भी पुरानी सूजी ना लें, उस स्टोर से सूजी लें जिसमें सूजी या फिर अच्छा उसका किराना स्टोर चलता हो उससे लें, ताकि आपकी सूजी या फिर आपकी जो किराना के आइटम्स है वो अच्छे और ताजे हो। जो स्टोर चलता होगा उस पर सूजी अच्छी होगी। ये देखिए कितनी अच्छी सूजी है, एकदम ताजी सूजी है, इसे छानने की भी जरूरत नहीं है। देखिए एक प्लेट सूजी ले ली, एक ले लेंगे यहां से पैन। पैन को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। देखिए इसे हीट अप करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सूजी बनाने के लिए हमने पैन चूल्हे पे रख ली है। देखिए पैन रख ली है और यहाँ पे हमने ले लिया देसी घी और उसके अलावा नॉर्मल घी, बनस्पति घी। देसी घी भी जरूर डालें खुशबू के लिए, खुशबू बहुत अच्छी हलवे में आएगी। थोड़ा देसी घी डालेंगे और थोड़ा जो है वो दूसरा घी डालेंगे। यहां से ले लेते एक चम्मच। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये देसी घी है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेश और प्योर देसी घी है ये। थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे जस्ट फॉर फ्लेवर, खुशबू। बाकी ये बनस्पति घी डाल लेते हैं। हलवे में फ्रेंड थोड़ा घी ज्यादा डलता है, नहीं तो हलवा अच्छा इतना नहीं बनता। देखिए फ्रेंड घी हमने डाल लिया है, घी में डालेंगे, घी थोड़ा सा हीट अप हो जाए फिर घी में डालते हैं सूजी। अब इसमें डाल देंगे सूजी, सूजी को अच्छी तरह फ्रेंड्स धीमी आंच पे, दिखाओ धीमी आंच हमने कर ली है बिल्कुल, और धीमी आंच पे सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे।
जितनी धीमी आंच पे भूनेंगे उतनी अच्छी सूजी हमारी भून जाएगी। और इसको काफी टाइम टेकिंग है, काफी देर तक आप भूने, जितना अच्छा आपकी सूजी भुनेगी उतनी अच्छा आपका हलवा तैयार होगा। देखिए हम इसको हम हल्की आंच पे भूनते जाएंगे जब तक खुशबू ना आना शुरू हो जाए। साथ में हम रख लेते हैं चाशनी का पानी, दिखाओ। साथ में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, यानी कि शीरा हलवे के लिए। पानी रखेंगे चूल्हे पे और फ्लेम को कर देंगे ऑन। दिखाओ हलवे को बिल्कुल हल्की आंच पे भूनते जाएंगे। फ्रेंड देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू होगी अभी से ही। सूजी को हल्की आंच पे भूनते जाएंगे, ये थोड़ा सा अपना रंग चेंज करेगी और साथ खुशबू धीमी धीमी छोड़ देगी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं चीनी, ये जब पानी हीटअप हो जाएगा तो इसमें चीनी डाल देंगे। देखिए सूजी को भूनते जाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जब तक इसकी खुशबू तैयार हो। तो फ्रेंड्स जितनी देर आप सूजी को अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा हलवा तैयार होगा, और जितना अच्छी चाशनी आप गरम डालेंगे तो उसमें यानी कि शीरा, तो तब भी हलवा दानेदार और अच्छा तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स धीमी आंच पे हम हलवे सूजी को भूनते जा रहे हैं और देसी घी की भीनी भीनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए साथ में हमारा चाशनी का पानी भी उबल गया, देखिए कितना अच्छा गर्म हो गया। अब यहाँ से ले लेंगे सब्ज इलायची, दो सब्ज इलायची को कूट के चाशनी में डाल देंगे। दो सब्ज इलायची पानी में डाल देंगे और देखें साथ साथ हम सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पे भूनते जा रहे हैं। जितनी अच्छी सूजी हमारी भुनेगी उतना अच्छा हलवा तैयार होगा। देखिए ये आस्ता आस्ता रंग भी चेंज कर लेगा और खुशबू सी छोड़ देगी सूजी। और साथ में देखिए चीनी, चीनी भी डाल लेते हैं पानी में उबलते हैं। और जब चीनी डालेंगे तो हला देंगे फ्रेंड शीरे को ताकि चीनी नीचे बैठ के जल ना जाए। जब भी चाशनी तैयार करें शीरा तैयार करें तो उसको ऐसे हलाएं चम्मच से थोड़ी देर तक जब तक चीनी डिजॉल्व ना हो जाए, नहीं तो चीनी नीचे बैठ के जल जाएगी। थोड़ा सा ऐसे हला लें, हमें पतला ही शीरा चाहिए इसके लिए, कोई तार का शीरा नहीं चाहिए, पतला सा शीरा चाहिए। चीनी भुन गई है बीच में, साथ में इलायची अपनी खुशबू पानी में छोड़ देगी और साथ शीरा तैयार हो जाएगा। साथ में दिखाओ हलवा भी, सूजी भी हम भूनते जा रहे हैं हल्की आंच पे। देखिए कितनी ताजी सूजी है, बिल्कुल व्हाइट कलर है सूजी का। फ्रेंड्स हमेशा व्हाइट ही कलर होना चाहिए, अगर सूजी पुरानी होगी तो
वो बू देगी और हलवा भी अच्छा नहीं तैयार होगा, या उसमें मैदे या आटे की मिकदार ज्यादा होगी तो तब भी हलवा इतना अच्छा तैयार नहीं होगा। प्योर सूजी का हलवा अच्छा बनता है। कितनी दानेदार सूजी है हमारी, बिल्कुल इसे धीमी आंच पे हम भूनते जा रहे हैं, साथ में हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है। ऐसे हिला देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसे पलट लेते हैं, साइड को पलट लेते हैं और साथ में देखें शीरा भी तैयार हो रहा है। अगर आपने फ्रेंड्स, हम तो रंग के बगैर वाला हलवा बना रहे हैं, अगर आपने रंग वाला हलवा बनाना है तो इस टाइम पे आप शीरे में चुटकी भर जर्दी का कलर डाल सकते हैं, तो फिर रंग वाला जर्दी के रंग जैसा हलवा तैयार हो जाता है। इसमें से देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो घी में बना लें, घी में हलवा अच्छा बन जाता है। दफा मैं आपको फ्रेंड सूजी वाला सादा हलवा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हमारे घर में सर्दियों में अखरोट वाला हलवा भी तैयार होता है, अखरोट का हलवा भी सूजी वाला बहुत मजे का होता है, वो भी हम तैयार करते हैं। इसके अलावा किशमिश और बादाम वाला भी, खोपरे को घस के भी तैयार करते हैं, वो भी हलवा अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी बन रही है अच्छी तरह, देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया और खुशबू भी छोड़ दी है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू। देखिए इसको हम ऐसे 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 भूनते जा रहे हैं, जितनी अच्छी हमारी सूजी बुनी हुई होगी उतना अच्छा हलवा तैयार हो जाएगा। आपने देखे हमारी चाशनी भी तैयार है, शीरा तैयार है, पतला सा ही शीरा चाहिए हमें सूजी के लिए। सूजी का हलवा बहुत अच्छा तैयार होता है, ये सबका पसंदीदा है। थोड़ा सा दूर कर लो कैमरा, थोड़ा बाप आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी कितनी प्यारी प्यारी बन चुकी है, देखिए थोड़ा सा इसने कलर भी चेंज कर लिया, इसका कलर इससे डार्क नहीं रखना, बस इसी तरह का कलर होना चाहिए लाइट सा। अब इसमें डाल लेंगे ये चाशनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी डालने के बाद हमने अपनी गैस का फ्लेम तेज कर दिया, तेज आंच पे इसे पकाएंगे अच्छी तरह। हमारी गाड़ी होना शुरू होगी, देखिए कितना अच्छा हलवा तैयार हो रहा है।
मसाला हुआ तैयार हुआ फ्रेंड। अब इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक ये आयल नहीं छोड़ देता। कितना अच्छा हलवा तैयार हुआ है ये देखो, बिल्कुल दानेदार और अच्छा हलवा तैयार हो रहा है हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हलवा तैयार हो रहा है, ये देखिए कितना अच्छा हलवा तैयार हो चुका है। इस तरफ आ जाओ, उधर पर शॉर्ट लो प्लेट ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इधर प्लॉट लो। देखिए फ्रेंड्स हमारे हलवा तैयार हो चुका है, इसकी बुनाई भी हो चुकी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। ऑयल में घी डाला था, घी छोड़ दिया। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको सर्व करते हैं बिस्मिल्लाह खान ही। देखिए कितना अच्छा हलवा, ये दिखाओ क्लोज में दिखाओ कैसे कट कट के आ रहा है। देखिए देखिए कैसा अच्छा माशाल्लाह से हलवा तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा हलवा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा और दानेदार हलवा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। ये हलवा बहुत ही मजेदार तैयार हुआ है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह खान ही, ये देखिए क्लोज भी लो चम्मच से। देखिए कितना दानेदार और अच्छा हलवा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हलवे की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारी रेसिपी जरूर घर में ट्राई किया करें और बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड
प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।